डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको समरसेट मॉम की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी द लंचन पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो स्टोरी है ये कब पब्लिश हुई थी। ये 1924 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी दोस्तों? 1924 में पब्लिश हुई थी। और इसके राइटर कौन है? समरसेट मॉम है। और ये जो टाइटल है दोस्तों द लंचन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है दोस्तों लाइट लंच, यानी कि लंच तो किया जा रहा है लेकिन कैसा? बहुत हल्का फुल्का लंच करना, ये कहानी का टाइटल है। लेकिन क्या वास्तव में जो स्टोरी है वो अपने टाइटल पर खरी उतरती है या फिर इसका जो टाइटल है वो स्टोरी के अकॉर्डिंग खरा उतरता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ आपको कि 1924 में ये जो स्टोरी द लंचन है इसको ये पब्लिश हुई, और ये जो पब्लिश हुई थी नेश मैगजीन में सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी। दोस्तों आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो माइनर पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत मेजर पॉइंट्स भी बन सकते हैं, तो इनको भी आपको तैयार करते हुए चलना है। जैसे कि द लंचन जो है ये टाइटल, इसका मीनिंग क्या है, किसने इसको लिखा और इसके साथ साथ कब ये पब्लिश हुई, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लंचन का मतलब होता है लाइट लंच, और ये जो स्टोरी है दोस्तों ये स्टोरी जो राइटर को याद दिलाती है अपने 20 साल पहले की। तो सबसे पहले कहानी के दो मुख्य किरदार हैं जो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, एक तो खुद राइटर नैरेटर जो कि प्रोटैगोनिस्ट हैं, और इसके साथ साथ ये कहानी को नैरेट कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, और 20 साल पहले की एक घटना जो इनके साथ घटित हुई उसको ये दर्शाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है वो है ऑथर की फैन, यानी कि ऑथर को पसंद करने वाली एक लेडी जो कि एक गेस्ट के रूप में भी इनके पास आती हैं, और इनके साथ ही वो रेस्टोरेंट में जो एक टाइम स्पेंड होता है लंच वाला वो इस लेडी के साथ ही होगा। क्या ये लेडी राइटर की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी या नहीं उतर पाती, ये भी देखना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये आपको पता चल गया ये किसकी कहानी है, ये राइटर की कहानी है जो कि इस कहानी के प्रोटैगोनिस्ट हैं, और वो कहाँ रह रहे थे, वो 20 साल पहले पेरिस में रह रहे थे, वहां की बात उनको याद आती है, और उस समय उनकी मुलाकात एक लेडी से हुई थी और वो लेडी उनको एक प्ले में मिली थी, और उस लेडी ने इनके द्वारा लिखी गई बुक को पढ़ा था और उसको अप्रिशिएट किया था, और इवन इनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था दोस्तों, इसका ये जो राइटर है इनका और उस लेडी का आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, और इसी बीच में बात यहाँ तक बढ़ गई कि वो जो लेडी थी और जो ये राइटर थे इन दोनों की बात लंच पर आकर सेटल हुई कि एक उस स्त्री ने इच्छा जाहिर की कि वो लंच करना चाहती है लेखक के साथ, और वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट फाइट्स में वो जाना चाहती है। अब ये दोस्तों ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर जो धनी लोग थे वो जाया करते थे, स्पेशली सीनेटर्स के लिए ये रेस्टोरेंट्स जाना जाता था कि वो डिनर वहाँ पर किया करते थे सीनेटर्स। तो ये जो स्त्री है ये इच्छा व्यक्त करती है कहाँ जाने की, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाने की। अब राइटर सोचता है कि भाई जब लेकर जाना है तो भाई लेकर ही जाना है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसको लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितने पैसे थे उसके पास राइटर के पास उसको लंच कराने के लिए, तो दोस्तों आंसर होगा 15 फ्रैंक्स, केवल 15 फ्रैंक्स, नॉट 50, इट्स 15, याद रख लेना 15, 15 फ्रैंक्स थे। तो उसने डिसाइड किया कि एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पर जो ना अपने लिए जो कॉफ़ी वगैरह है उसको मैं स्किप कर दूंगा, और उस लेडी को मैं जो है छोटा मोटा एक लंचन, यानी कि छोटा मोटा लंच वहाँ पर मैं उसको आसानी से करा दूंगा। तो उन्होंने डिसाइड किया मीटिंग के लिए, तो राइटर ने जो टाइम डिसाइड किया दोस्तों वो डे था थर्सडे का, 12:30 PM का ये टाइम उन्होंने डिसाइड किया, थर्सडे 12:30 PM।
जो टाइम था वो डिसाइड किया गया दोस्तों। अब इसमें जो इनका जो टाइम डिसाइड किया जब ये मिले, राइटर को बहुत एक्साइटमेंट था उस लेडी से मिलने का, क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था उसके बारे में, क्योंकि उसने उसको अप्रिशिएट किया था, उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी और उसकी बातें उसको अच्छी लगती थी, जिस तरह से वो उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, अपनी बातों को कह रही थी, तो उसको लगता था, उसने एक इमेजिन कर ली थी कि वास्तव में वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी। और बातूनी तो वो थी ही, बातें अच्छी करती थी, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद में राइटर जब उस लेडी की तरफ, उस स्त्री की तरफ देखता है, तो वो जो है उसके मन में वो खुशी नहीं आ पाती जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही उसके लिए एक्सपेक्ट कर लिया था। और ये जो लेडी थी, इसके लुक की बात करें तो एक फैटी लेडी थी, जैसे कि आपको इमेज से भी दिख रहा होगा, फैटी लेडी थी, मिडल एजड थी, अराउंड 40 होगी, टॉकेटिव थी बट नॉट सो मच अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नहीं थी। अब आ गए रेस्टोरेंट में, तो भाई अब लंच तो कराना ही है, अब लंच कराना है तो आप देखना कि कितना हल्का लंच यहाँ पर होने वाला है, कितना लाइट लंच होने वाला है। और वास्तव में देखें तो ये जो लेडी है, आपको इसकी बॉडी से, इसके फिजिकल अपेरेंस से भी आपको पता चल रहा होगा कि एक फैटी, एक फूडी टाइप की लेडी है। तो अब ये क्या क्या वहां पर खाती है, यही कहानी का मुख्य सार भी है दोस्तों। कहानी में और कुछ नहीं है, मैं कहता हूं एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया, पूरी कहानी दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी कि आप फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। तो इतना क्लियर हुआ कि ये ऑथर की फैन और जो गेस्ट है, ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं। अब रेस्टोरेंट में जो राइटर है, उसने जो एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं थी ये, लेकिन भाई जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा ना, एक गाना भी है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। अब दोनों जब एक साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बात आती है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सबसे पहले ये जो लेडी है, जब ये रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये कुछ ऑर्डर करती है। और क्या ऑर्डर करती है दोस्तों, उस समय ये लेडी ऑर्डर करती है सैल्मन। अब सैल्मन क्या है, किसको सैल्मन कहते हैं, सब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेडी ने क्या चीज जो थी ऑर्डर की, तो आपका आंसर होगा सैल्मन। सैल्मन अ काइंड ऑफ फिश, एक प्रकार की फिश होती है दोस्तों, फ्राइड फिश है सैल्मन जो है, तो इसको ऑर्डर किया। अब राइटर का चेहरा देखने लायक होता है कि भाई उसने ये सैल्मन मंगा ली। इसके बाद जो राइटर है वो सोचता है कि चलो सैल्मन से छुटकारा मिलेगा और सैल्मन खा लेंगे तो इसका पेट भर जाएगा। और वो अपने की तो कटौती पहले ही सोच चुका था कि मैं, मुझे तो कटौती करनी ही करनी है, मैं तो इतना कुछ खाने का नहीं हूँ। सबसे पहले लेडी ने क्या ऑर्डर किया, सैल्मन को ऑर्डर किया। इसके बाद, अब बात यहीं खत्म नहीं होती है, उसके बाद कैवियर, कैवियर भी उस लेडी ने ऑर्डर कर दिया। अब ये कैवियर क्या होता है दोस्तों, जो फिश एग्स होते हैं उनसे जो बनी एक डिश होती है उसको कैवियर कहा जाता है। तो उस लेडी ने सैल्मन के बाद किस चीज़ को ऑर्डर किया, कैवियर को ऑर्डर किया, और कैवियर को भी उसने वहाँ पर एन्जॉय किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो ये मोटी लेडी अपने लंच को एन्जॉय कर रही है और दूसरी तरफ राइटर का हाल क्या हो रहा होगा, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कि जब आपके पास ना के बराबर पैसे हों और आपका कोई साथी वहां पर आ जाए और आपसे कहे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और आप उसको मना भी ना कर पाए चाहकर भी, तो आप सोचिए कि कैसी स्थिति होगी। हमारे इंडिया में तो वो वाली कहावत है ना कि भाई वो सपने देखने लगते हैं उसके, बर्तन मांजने के, पे पैसे नहीं है तो बर्तन मांजने ना पड़ जाए। इतना तो नहीं सोचा खैर राइटर ने, लेकिन उसको लग रहा था कि चलो बात यहीं तक रुक जाए, कैवियर तक ही बात रुक जाए। और इस बीच में वो जो लेडी थी, टॉकेटिव तो थी ही, वो बातें कर रही थी, और किसके बारे में, खाने के बारे में बातें करती रही, आर्ट के बारे में बातें की, लिटरेचर के बारे में बातें की, म्यूजिक के बारे में बातें की, लेकिन राइटर का माइंड केवल और केवल बिल की तरफ था, उसको बिल की चिंता हो रही थी। और जबकि जो वो लेडी थी, शी वॉज एंजॉइंग द फीस्ट, और वो उस दावत का, एक तरह से फीस्ट ही हम इसको कह सकते हैं, तो उसका वो एंजॉय कर रही थी, इस लंचन का वो एंजॉय कर रही थी। अब कैवियर के बाद में जो वो लेडी है दोस्तों, उसने मटन चॉप ऑर्डर किया। और मटन चॉप जब ऑर्डर किया तो जो लेखक की जो सोच थी या फिर लेखक का जो माइंड था, वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई डिप्रेशन में जा रहा हो, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब वो बिल कैसे पे कर पाएगा, अब क्या होगा उसका।
और वो भगवान से एक तरह से ये प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, इस मोटी स्त्री को यहीं पर ही रोक दो, ये इतना ही खा ले, बहुत है। लेकिन वो तो फूटी थी, वो कहाँ मानने वाली थी। और वो आगे बढ़ती है और ये कहती कि एक चैंपियन और हो जाए, और तभी वो एक चैंपियन ऑर्डर कर देती है। अब आप साथ के साथ दोस्तों इमेजिन करते चलिए, एक तरफ लेखक का चेहरा इमेजिन कीजिए और दूसरी तरफ इस लेडी की करतूत भी हम कह सकते हैं एक तरह से, ये आप इमेजिन कीजिए। लेकिन करतूत नहीं, ये इसकी आदत ही थी दोस्तों। जो लोग फूडी होते हैं ना, वो खाते ही हैं ऐसे। आपने देखे होंगे आपके सोसाइटी में इर्द गिर्द भी ऐसे कुछ लोग होंगे, जब उनको आप एक ऑफर दे दें कहीं ले जाने का, तो फिर वो रुकते नहीं हैं, आप देखते रहते हैं भाई ये क्या क्या खा रहा है, खा रही है, लेकिन वो लगे रहते हैं। ऐसे ग्लटन टाइप के लोग हमें समाज में मिल जाते हैं, तो ये लेडी उनमें से एक है। हम इसकी बुराई नहीं करेंगे, थोड़ी सी फूडी है तो क्या हुआ। लेकिन ह्यूमर भी तो इसी से आ रहा है दोस्तों कहानी में, एक हास्य भी तो इसी से बनता है। तो ये चैंपियन ऑर्डर करती है, अब चैंपियन तक बात रुक जाती तो भी देखा जाता भाई। ये उधर लेखक चिंता कर रहा है कि अब क्या करें, ये जो इतनी एक्सपेंसिव डिश हो चुकी है, अब क्या होगा, बिल का क्या होगा। इसके बाद दोस्तों ये यहां पर नहीं रुकती, चैंपियन के बाद में ये एस्प्रेगस जो कि एक फेमस डिश है पेरिस में, तो उसको वो ऑर्डर करती है। अब फिर से इमेजिन कीजिए आप वही चीज जो मैं आपसे कह रहा था दोस्तों, एस्परगस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव डिश, जो भी डिश उन्होंने अब तक ली थी उनमें सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव डिश। अब तो आप भी सोचने लगे होंगे भाई ये मोटी कितना खाएगी, तो लेकिन भाई पेट उसका और सोच भी उसकी, और उसको जो खाना है वो तो खा के रहेगी, हम तुम क्या कर सकते हैं, और ना बेचारा लेखक कुछ कर सकता है। तो यहां पर एस्परगस का भी इसने एंजॉय किया। अब बात यहीं थम जाती तो ठीक था, लेकिन इतने पे कहां मानेगी, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, या फिर ये कह दें कि ये दिल मांगे मोर, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया तो वो लेडी कहती आइसक्रीम और हो जाए, आइसक्रीम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो दोस्तों वो फिर आइसक्रीम मंगा लेती है, अब वो आइसक्रीम को एंजॉय कर रही होती है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, अपना जो भी आपके स्टडी ग्रुप हो वहां पर, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो दोस्तों बात आती है आइसक्रीम पर, तो आइसक्रीम वो इच्छा जाहिर करती है आइसक्रीम खानी है, तो अब आइसक्रीम भी आ जाती है, वो आइसक्रीम खाती है। लेखक को आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि लेखक का क्या हाल हो रहा होगा कि आज तो भाई बुरे फंसे, सोचा था हूर मिलेगी ये तो पेटू मिल गई, और अब करें तो क्या करें। लेकिन क्या बात यहां पर रुकेगी दोस्तों, क्या वो आइसक्रीम पे ही अपनी इस लंचन का एंड कर देगी, या फिर बात आगे बढ़ती है। तो दोस्तों वास्तव में बात आगे ही बढ़ेगी। अभी अब इतने से कहा मन मानता है उसका, तो उसने कहा आइसक्रीम ले ली, ठंडा तो हो गया, कुछ गर्म भी तो हो जाए, तो अब कॉफी की बात आ जाती है, तो वो कॉफी ऑर्डर कर देती है, भाई कॉफी और लाइए। अब कॉफी भी आ जाती है, अब कॉफी आ गया, तो इसी बीच में वो एक बात कहती है कि शी नेवर एट एनीथिंग फॉर लंचन जस्ट अ बाइट, और इवन वो उस लंच की भी अप्रिशिएट करती है जो उन्होंने वहां पर लंच किया। लेकिन दोस्तों क्या बात यहां पर थम जाएगी, अब अपनी तरफ से वो रुक चुकी है, अपनी तरफ से उसने कोई ऑर्डर नहीं किया। अब इसी बीच में वेटर आता है, राइटर को लगता है कि शायद अब काम यहां पर फिनिश हो गया है, अब यहां पर इससे ज्यादा ये ऑर्डर कुछ नहीं करेगी। और वो जो वेटर वहां से गुजरता है दोस्तों, उसके पास एक बास्केट होती है जिसमें ह्यूज पीचेस होते हैं, यानी कि आड़ू होते हैं। अब आड़ू को देखकर ये जो लेडी है इसके मुंह में पानी आ जाता है, टेम्प्टेड हो जाती है, वो कहते हैं ना ये दिल ललचाए रहा ना जाए, तो वैसे ही इसके भी ललचा जाती है उन आड़ू को देखकर। और इस लेडी को क्या चाहिए, आड़ू। भाई फूडी जो लोग होते हैं उनको तो कोई चीज दिख जाए, और ये चाहिए वो चाहिए, दिल मांगे मोर, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और वो फिर इच्छा जाहिर करती है आड़ू खाने की, और वो भी उसको मिल जाते हैं, पीचेस भी उसको मिल जाते हैं। अब उस लेडी ने आड़ू खा लिए, अब बात आती है दोस्तों कि क्या वो और भी कुछ खाएगी,
भाई इतना खा लिया काफी है, तो इतना ही बहुत है उस लेडी के लिए, तो आज उसने इतना खाया। अब लेखक को चिंता थी, उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका जो एक अमाउंट वो लेकर चला है उससे एक्सीड ना कर जाए बिल, उससे ज्यादा ना हो जाए तो फिर क्या हालत होगी। वो सोच सकता था, केवल सोच रहा था, चिंतित था उस बात को लेकर। लेकिन जब बिल आया तो उस समय लेखक को थोड़ी शांति मिली। शांति इस वजह से मिली कि जितना पैसा था उसके पास उसमें से उसने पे कर दिया, और इतना ही नहीं वो अ फ्यू फ्रैंक्स वो अपने लिए बचा भी पाया। तो कुछ पैसा जो था वो बच भी गया, फ्यू फ्रैंक्स बच भी गया दोस्तों। और इसके साथ साथ उसने अ बिट ऑफ टिप हम कह सकते हैं वो वेटर को भी दे दी, लेकिन अपने लिए उसके पास पूरे मंथ के खर्चे के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा था लेखक के पास अपने लिए। और तो फिर क्या हुआ होगा, तो वो दोस्तों फिर उसने अपना जैसा जीवन यापन इंसान करता है वैसे ही कठिनाइयों में भी उसने भी अपना जीवन यापन किया होगा। लेकिन 20 साल बाद जब वो उस स्त्री से मिला तो उसने देखा कि उसका जो वेट था अब बढ़ चुका था, एंड इट वॉज 136 किलोग्राम। तो ये देखकर उसको लगा कि उसका जो लंच था और वो जो लंचन वाला जो एक प्रोग्राम था वो सक्सेस हुआ, और कहीं ना कहीं तो वो खाना लगा ना जाके, चाहे 20 साल ही क्यों ना गुजरे हो। तो दोस्तों ये थी कहानी द लंचन बाय समरसेट मॉम, और जिसको एक्सप्लेन किया आपके सामने मैंने, डॉक्टर सचिन गोस्वामी यानी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।